पाकिस्तान में कैद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की आज तड़के हुई मौत। पाकिस्तान ने सरबजीत की मौत की न्यायिक जांच के दिए आदेश। संसद ने सरबजीत की मौत पर किया निंदा प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, सरबजीत सिंह पर बर्बर हमले के लिए जिम्मेदार अपराधियों को लाया जाए न्याय के कटघरे में। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरबजीत की मौत पर हम सभी दुखी हैं। कहा कि सरबजीत के मुद्दे पर इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरबजीत सिंह के परिवार से की मुलाकात। शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सरबजीत की मौत को एक दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान में बंद अन्य भारतीय कैदियों के साथ भी ऐसा बर्ताव ना हो। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि सरबजीत को वापस नहीं लाया जा सका, यह एक कूटनीतिक विफलता है। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सरबजीत के साथ पाकिस्तान में जो भी हुआ वो गैर कानूनी है और इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरबजीत की हत्या की हम भर्त्सना करते हैं। भाजपा ने सरबजीत सिंह की मौत की खबर पर दुख जताते हुए इसके लिए सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि सरबजीत को समय रहते समुचित इलाज मिल गया होता तो शायद वे बच जाते। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा कि सरबजीत की मौत पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। कहा कि भाई हुआ है शहीद। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत पर हमले और फिर उसकी मौत को लेकर सरबजीत के गांव विकीविंड में मातम छाया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित देश भर में सरबजीत की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थनाएं। संसद ने वित्त विधेयक और रेल बजट पारित किया। राज्यसभा ने इसे संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, कर चोरी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीसी चाको को हटाने की विपक्ष की मांग को किया खारिज। सदस्यों से समिति के अध्यक्ष के साथ मतभेदों को दूर करने को कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलबर्गा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में राज्य को काफी पैसे दिए जिसका उपयोग जनता की भलाई के लिए नहीं किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास में सभी को बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहती है जबकि कांग्रेस करती है भेदभाव की राजनीति। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2014 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूती के साथ पटरी पर लौटने की उम्मीद। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा, इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में होगी 5.5% की वृद्धि।